तो आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल। तो इस चने की दाल को हम डाल देंगे, हमने बॉईल करने के लिए पानी रखा है उसके अंदर हम डाल देंगे। तो देखिए बॉईल हो रहा है पानी, हमारा पानी बॉईल हो चुका है। तो बॉईल पानी में हम चने की दाल को भिगो देंगे। जब तक दाल हमारी अच्छी तरह से भीग कर ऐसे फूल जाए तब तक इसको हम रहने देंगे। इसको ढककर हम एक आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। और हमने एक लौकी ले ली है, आधा किलो जितनी होगी। तो आज हम लौकी की सब्जी कुछ अलग नए तरीके से बनाएंगे। जैसे हमने पहले बताया कि चने की दाल हमने गर्म पानी में भिगो कर रख दिए है आधे घंटे के लिए, तब तक हम लौकी को छिलकर उसको कट कर लेते हैं। तो हम लौकी को छिलके कट कर लेंगे, पहले इसके पीसेस कट देंगे, अब इसके छिलके उतार देंगे हम। लौकी को हमने 3 पीसेस में कट कर लिया है, अब इसके हम छिलके उतार देंगे। फिर हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। लौकी की सब्जी आपने कई तरह से खाई होगी, पर आज मैं कुछ आपको नए तरीके से बनाऊंगी कि बच्चों को भी पसंद आएगी। तो सारी लौकी के हमने छिलके निकाल दिए हैं। और ये क्या करते हैं छोटे बच्चे, इसे डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। सारी लौकी को हम कट कर लेंगे। देख सकते हैं, देखिए तो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब इसमें पानी डालकर हम धो लेंगे सब्जी को अच्छी तरह से। फिर इसको हम निकाल देंगे एक बाउल में, प्लेट में निकाल के हम रख देंगे। तो जो हमने गर्म पानी में दाल भिगोई थी वो अच्छी तरह से हमारी भीग चुकी है। देखो कैसे दाने टूट रहे हैं। पकाने के बाद हमको इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लहसुन लिया है तो इसके छिलके उतार लेंगे। लहसुन को जल्दी छिलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर के हिस्से को हम चाकू से कट कर लेंगे ताकि हमारा लहसुन जल्दी जल्दी छिल जाएगा। एक किचन टिप्स मैं आपको बताती हूँ। जल्दी से हमारे छिलके निकल जाएंगे। इसे सारे थोड़े लहसुन छील लेंगे हम। तो लहसुन हमने छील लिया है, इसमें डाल के हम थोड़ा कूट लेंगे। इसको ज़्यादा हमें पेस्ट जैसा नहीं कूटना है, बस ऐसे ही थोड़ा कूट लेना है। हमारा रेडी है तो इसको हम निकाल देंगे। तो हमने जो धोकर रखी थी वो सब्जी इधर डाल देंगे। तो हमने जो चने की दाल धोकर रखी थी तो ये जो दाल है उसको भी हम साइड कर देंगे। हम मसाला निकाल देंगे।
एक चम्मच इतनी लाल मिर्च, डेढ़ चम्मच इतनी हमने लाल मिर्च ली है। एक चम्मच इतना धनिया पाउडर, एक चम्मच इतना गरम मसाला और हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें हम। आधे चम्मच इतना गरम मसाला, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। अब हम डालेंगे गर्म तेल में लहसुन की पेस्ट, आपने ऐसे कभी लौकी की सब्जी नहीं खाई थी। अब इसमें ऐड करना है हमें पानी, तो दाने भी हमारे जो कि जल्दी से पक चुके हैं। अभी इसको पानी थोड़ा हम जल्दी देंगे, इसको हम दूसरा ढक्कन लगाने वाले हैं। इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ढक्कन लगा देंगे। रहा है आज लौकी, वाओ, चने और लौकी की सब्जी बन रही है। रेसिपी बाय सुनीता किचन, यम्मी, देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रही है। वाओ यम, सर्व किया जा रहा है जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं वो। जल्दी जल्दी सर्व करो, हमको टेस्ट करना है और बताना है कैसी बनी है। कलरफुल, फुल ऑफ कलर्स। सो लेट्स टेस्ट द रेसिपी ऑफ सुनीताज किचन, चना दाल एंड रॉकी लौकी की सब्जी। सो यमी। सो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।